देखिए, क्लास 6 मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 7 फ्रैक्शन एक्सरसाइज 7.1। इसमें क्या है, क्वेश्चन 1 में क्या है, राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन। शेडेड पोर्शन को शो करने वाली फ्रैक्शन हमें लिखनी होगी। शेडेड पोर्शन मतलब इसमें अंदर ये देखना होगा कि शेडेड पोर्शन जो है वो होल पार्ट का कितना है, होल का कितना है। अब देखिए, ये है इसके अंदर फर्स्ट, इस फर्स्ट के अंदर देखते हैं तो यहाँ पर ये शेडेड पोर्शन है, ये इतना। इस शेडेड पोर्शन को काउंट कर लेते हैं कितना, 1 2, और टोटल कितने हैं, 1 2 3 4। तो 4 में से 2 शेडेड है, 4 में से 2 शेडेड है। तो क्या करेंगे, इसका फ्रैक्शन लिख लेंगे। टू तो ऊपर रखेंगे और 4, 2 आउट ऑफ 4, 2 अपॉन 4। इसी तरह से इसको देखेंगे सेकंड वाले पोर्शन को। सेकंड में क्या है, सेकंड पार्ट के अंदर देखिए ये सारे फील्ड हैं, ये फील्ड है, ये सारे के सारे फील्ड हैं, ये सब फील्ड हैं। ये बस बीच का जो है सेंट्रल पार्ट जो है ये ओपन है। तो इसमें टोटल पार्ट्स कितने, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो 1 तो इसमें फ्रैक्शन लिख लेते हैं इसको, टोटल पार्ट्स 9 हैं और जिसमें से 1 शेडेड नहीं है, शेडेड पोर्शन। अब ये हो गया सेकंड क्वेश्चन हमारा, सेकंड पार्ट इसका। आप थर्ड पार्ट में आ जाते हैं, थर्ड पार्ट के अंदर देखते हैं तो इसमें टोटल कितनी बॉल्स दिख रही है हमको, 1 2 3 4 और 4 8। तो हम 8 तो लिख लेते हैं ऐसे नीचे इसके, और ऊपर कितने लिखेंगे, 1 2 3 4 लिख देंगे, इसका 4 अपॉन 8 हो गया। इसी तरह से इनको देखेंगे, एक और क्वेश्चन नंबर 4 है ये। तो 4 के अंदर जो फील्ड पार्ट है वो ये वाला है, शेडेड वाला, शेडेड वाला 1 पार्ट है, बाकी टोटल पार्ट 4 है। तो 1 अपॉन 4, इसका 1 अपॉन 4 हो जाएगा। अब इसके बाद में नेक्स्ट नंबर 5 है, 5 को देखते हैं। तो 5 के अंदर एक तो ये बीच का ये वाला पार्ट फील्ड है, और ये फील्ड है, और ये फील्ड है, 3 पार्ट्स फील्ड हैं इसके। तो हम 3 तो ऊपर लिख लेंगे, अपॉन में क्या आ जाएगा, टोटल पार्ट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 अपॉन 7 इसकी फ्रैक्शन बन गई। अब आ जाता है ये वाला नंबर 6। नंबर 6 में देख लेते हैं टोटल कितने फ्लावर्स हैं इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 तो नीचे रख देंगे और 1 2 3 ऊपर रख देंगे, 3 जो है वो फील्ड नहीं है। इसके बाद में 7 के अंदर आ जाते हैं, 7 के अंदर हमें ये सारे के सारे सेम दिखाई दे रहे हैं। तो 1 2 3 4 5, ये भी 5 5 5 10 हो गए, तो 10 अपॉन 10 इसकी फ्रैक्शन हो जाएगी। यहाँ पर देख लेते हैं टोटल पार्ट्स देख लेते हैं पहले कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पार्ट्स हैं टोटल, जिसमें से शेडेड कितने हैं, 1 2 3 4, 4 अपॉन 9 फ्रैक्शन हो गई इसकी। अब इसको देख लेते हैं इसके टोटल पार्ट्स कितने हैं इसके, इसके टोटल पार्ट्स 1 2 3 4 और 4 8, 8 पार्ट्स तो टोटल हैं जिसमें से 4 शेडेड हैं। यहाँ पर ये पूरी फिगर का देखें तो हाफ इधर की साइड का शेडेड है, तो इसको क्या लिखेंगे, 1 अपॉन 2। इसमें कुछ भी काउंट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आधे को हाफ कहते हैं, हाफ मीन्स 1 अपॉन 2, इसलिए इसे हमने इसको 1 अपॉन 2 लिख दिया है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, कलर द पार्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग इसको कलर करना है हर एक पार्ट को। जो फ्रैक्शन दी हुई है, फर्स्ट में 1 अपॉन 6 है, इट मीन्स कि यहाँ पर देखिए 6 तो टोटल पार्ट्स हैं इसके, 1 2 3 4 5 6, जिसमें से 1 को शेडेड करना है। कोई सा भी हम 1 दे करके उसको इस तरह से शेडेड कर देंगे, तो ये 1 अपॉन 6 हो गया।
सेकंड है 1/4, यानी इसके जो टोटल फोर पार्ट्स हैं, 1, 2, 3, 4 पार्ट्स हैं, इसमें से वन पार्ट को हमें शेडेड करना है। हम कोई सा भी पार्ट शेडेड कर सकते हैं, मैंने ये बीच वाला कर दिया, हम इसको भी कर सकते हैं, इसको किसी एक को कर सकते हैं। 1/3 टोटल में से, यानी थ्री पार्ट्स में से वन को हमें शेडेड करना है, किसी भी एक पार्ट को हम शेडेड कर सकते हैं। मैंने बीच वाला कर लिया, आप इधर का कोई सा भी कर सकते हैं। इसके बाद में फोर्थ फिगर है 3/4, टोटल फोर पार्ट्स में से थ्री को शेडेड करना होगा। तो हमने पहले इसको वन को करा, फिर इसे देखिए टू को करा, और उसके बाद में देखिए इसे हमने थ्री को भी शेडेड कर दिया, इस तरह से ही शेडेड हो गया। तो ये 3/4 शो करेगा। 4/9, टोटल नाइन पार्ट्स हैं ये, जिसमें से फोर को हमें शेडेड करना होगा। तो देखिए 1, 2 और ये 3 और ये 4, हमने 4 को शेडेड कर दिया, 4/9 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, आइडेंटिफाइड द एरर, इसके अंदर हमें गलती को देखना है, क्या गलती है इसके अंदर। फर्स्ट फिगर क्या है, दिस इज 1/2, कि ये 1/2 है क्या, ये 1/2 को शो करता है। टोटल इसके अंदर टू पार्ट्स हैं, जिसके अंदर से वन शेडेड है, क्या इसके अंदर एरर है कोई, इसके अंदर हाँ एरर है। इसके अंदर ये देखना होता है कि जो पार्ट्स हैं वो सभी इक्वल होने चाहिए, इक्वली डिवाइडेड फिगर नहीं है, तो इसमें एरर है। इसी तरह से दिस इज 1/4, 1/4 मतलब फोर पार्ट्स में से वन शेडेड, फोर पार्ट्स में से वन शेडेड तभी होगा जब इसकी सारी फिगर्स, सारे पार्ट्स इसके इक्वल होंगे, इसके कोई भी पार्ट इक्वल नहीं है, तो इसमें भी एरर है। दिस इज 3/4, इसमें भी देखिए बहुत उल्टा पुल्टा है मामला। तो 3/4 इसको हम कैसे कर सकते हैं, ये इसके इक्वली डिवाइडेड नहीं है पार्ट्स, तो तब लिख देंगे आंसर में ऑल द फिगर्स आर नॉट इक्वली डिवाइडेड, सारी फिगर्स इक्वली डिवाइड नहीं है। फॉर मेकिंग फ्रैक्शंस, फ्रैक्शन बनाने के लिए इट इज नेसेसरी, ये जरूरी होता है दैट फिगर इज टू बी डिवाइडेड इन इक्वल पार्ट्स, के फिगर को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4 आता है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए डे इज 8 आवर्स, 8 आवर्स जो है वन डे का कितना फ्रैक्शन होता है, उसे फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। वन डे इक्वल टू कितने आवर्स होते हैं उसमें, वन डे में होते हैं 24 आवर्स, तो उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं पहले, वन डे इक्वल टू 24 आवर्स। अब देखिए ये भी आवर्स हो गए और ये भी आवर्स हो गए दोनों, अब इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे रखेंगे, 8 आवर्स तो ये हैं और 24 ये हैं, तो हमने इसको लिख दिया 8/24, फ्रैक्शन इक्वल टू 8 × 8, 8 × 3 = 24, ये 1/3 इसका रेशो आ जाएगा, 8/24 इसका लिख लेते हैं इसको, तो ये आ जाएगा 8/24, इसको हमने कट कर लिया तो ये आ गया 1/3 आंसर। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 40 मिनट्स, आवर को देख लेते हैं, 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, अब हमें 60 रखना होगा नीचे और 40 रखेंगे ऊपर, तो 40/60, 0 से 0 कैंसिल और 2 से इसे कैंसिल कर लेते हैं, 2 × 4 और 2 × 3 = 6 इक्वल टू 2/3, ये इसकी फ्रैक्शन आ गई। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6, आर्या, अभिमन्यु एंड विवेक शेयर्ड लंच, ये तीन लोग हैं जिन्होंने अपने लंच को शेयर किया है। आर्या हैज ब्रॉट 2 सैंडविचेस, आर्या जो थे था वो क्या लाया, 2 सैंडविचेस लेकर के आया, 1 मेड ऑफ वेजिटेबल, जिनमें से एक वेजिटेबल का बना हुआ था, और 1 ऑफ जैम, जो दूसरा बना था वो जैम का बना हुआ था। द अदर 2 बॉयज फॉरगॉट टू ब्रिंग देयर लंच, दूसरे 2 लड़के जो थे वो अपना लंच लाना भूल गए। आर्या एग्रीड टू शेयर हिज सैंडविचेस, आर्या जो था वो एग्रीड हो गया, वो इस बात से सहमत हो गया कि वो अपने सैंडविचेस को शेयर कर लेगा, ईच पर्सन विल हैव एन इक्वल शेयर टू ऑफ ईच सैंडविच, और ये तय किया गया कि हर एक को इक्वल पार्ट मिलेगा हर एक सैंडविच का। अब इसमें हमें फाइंड क्या करना है, ए नंबर पर है, हाउ कैन आर्या डिवाइड हिज सैंडविचेस सो दैट ईच पर्सन हैज एन इक्वल शेयर, तो वो अपने जो आर्या अपने सैंडविचेस को किस तरह से डिवाइड करेगा कि
तीनों को इक्वल शेयर मिल जाए हर एक सैंडविचेस का। अब देखिए इसका आंसर कैसे निकलेगा। आर्या जो है वो क्या करेगा, डिवाइड कर लेगा उसको। आर्या विल डिवाइड ईच सैंडविच इंटू थ्री इक्वल पार्ट्स। थ्री इक्वल पार्ट्स में पहले वो हर एक सैंडविच को डिवाइड कर लेगा। तो इस तरह से वन वन के हो गए थ्री और दूसरे के भी थ्री हो गए, तो सिक्स पार्ट बन जाएंगे ये। एंड ही विल गिव वन पार्ट ऑफ ईच सैंडविच टू ईच पर्सन। हर एक को वो एक एक पार्ट दे देगा, तो ये इक्वली डिवाइड हो जाएगा। व्हाट पार्ट ऑफ ए सैंडविच विल ईच बॉय रिसीव। हर एक लड़के को एक सैंडविच का कितना पार्ट मिलेगा, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, वन इंटू वन अपॉन थ्री। कैसे आया ये वन अपॉन थ्री, तो हमने एक सैंडविच के थ्री पार्ट कर लिए, तो इसके लिए वन अपॉन थ्री लिख दिया, और वन पर्सन के लिए हमने वन लिख दिया। तो इसे कर लेंगे वन वन द वन, तो ये थ्री ऐसे आ जाएगा, वन ऊपर आ गया, थ्री ऐसे आ गया। क्वेश्चन सेवन है, कंचन डाइज ड्रेसेस, शी हैड टू डाई 30 ड्रेसेस। कंचन जो है ड्रेसेस को डाई करती है, और उसको कितनी ड्रेसेस हैं, 30 ड्रेसेस जो हैं उसको डाई करनी है। शी हैज सो फार फिनिश्ड 20 ड्रेसेस, अभी तक उसने 20 ड्रेसेस को ही डाई किया है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ड्रेसेस हैज शी फिनिश्ड, उसने अब तक कितना वर्क फिनिश कर लिया है, ये देखना है हमको। तो टोटल ड्रेसेस, टोटल ड्रेसेस जो है यहां पर कितनी है, 30 है। टोटल ड्रेसेस वो 30 है, और वर्क फिनिश्ड कितना हो गया, कितने कितने ड्रेसेस उसने कर ली, 20 कर ली। तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ड्रेसेस, फ्रैक्शन ऑफ ड्रेसेस फिनिश्ड इक्वल टू, इसे 20 को ऊपर रखेंगे और 30 को नीचे रख लेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आ जाएगा आंसर 2/3। नेक्स्ट आ जाता है, राइट द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 2 to 12, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स। पहले वो कहता है 2 से लेकर 12 तक के नंबर लिख लो, ये इसका आंसर हो गया। 2 से लेकर 12 तक के हमें सारे नंबर्स लिख लेने हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12, 12 तक के सारे नंबर्स हमने लिख लिए ही। उसके बाद कहते हैं व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स, उनमें से इसके टोटल, पहले तो इसका टोटल काउंट कर लेते हैं कितने हो गए, टोटल नंबर्स, टोटल नंबर्स काउंट कर लेते हैं कितने हैं ये, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, टोटल नंबर्स जो है, टोटल काउंट इसका 11 है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स, तो प्राइम नंबर्स को लिख लेते हैं हम, प्राइम नंबर्स कितने हैं यहाँ पर, यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से हैं इसमें। देखिए प्राइम नंबर्स के अंदर कौन कौन से हैं, इसके अंदर जो नंबर किसी से डिवाइड नहीं होंगे वो वाले नंबर देख लेते हैं, 2, 3 अपने अलावा किसी दूसरे से डिवाइड ना हो, 2, 3, 5 और 7, 11, बस यही नंबर्स हैं जो के प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं अपने अलावा। तो अब क्या करते हैं, इसका फ्रैक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स, फ्रैक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स इक्वल टू, हमारे पास में कितने नंबर्स आए, 1, 2, 3, 4, 5 आ गए, तो
तो 5 को तो ऊपर रख देंगे और इसको 11 को नीचे रख देंगे। आंसर देखिए अब आता है क्वेश्चन नंबर 9। राइट द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 102 टू 113, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स। तो पहले इन नंबर्स को हमें लिखना होगा 102 से 113 तक। इन नंबर्स को पहले लिख लेते हैं कितने हैं ये। 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113। टोटल कितने नंबर्स होगा इन्हें तो देखना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 होगा टोटल काउंट इसका 12 है। अब इसके बाद में देखिए क्या कह रहे हैं ये। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स, जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में था उसमें भी यही था। प्राइम नंबर्स को अब हमें लिखना हो कौन कौन से इसके अंदर, तो अब इसमें से हम प्राइम नंबर्स को ढूंढ लेते हैं। प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं जो किसी दूसरे नंबर से नहीं कटेंगे अपने अलावा। देखिए 102 है, 102 तो 3 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, और 103, 103 किससे कटेगा, 103 किसी से भी नहीं कटता, तो हमने 103 लिख लिया। क्या 104 कटता, हाँ यस कटता, 2 से कटता। 105 कटता 5 से, 106 भी कटता है, 107 नहीं कटता होगा। क्या 107 कटता है, देखिए 107 प्राइम नंबर हो गया। 108 2 से भी चल जाएगा, 109 तो चलेगा नहीं किसी से, तो जब 109 नहीं चलेगा तो उसको यहाँ लिख लेते हैं हम। 110 ये तो चल जाएगा 5 से भी 2 से भी। 111 ये किससे चलता, क्या 111 चलता है किसी से, यस 3 से चलता है ये तो। इसके बाद में फिर 112 इसको भी छोड़ देते हैं, ये भी 2 से चल जाएगा। 113 किससे चलेगा, ये किसी से भी नहीं चलेगा, 113 इसको यहाँ लिख लेते हैं हम। अब टोटल को काउंट कर लेते हैं कितने आ गए, ये 1, 2, 3, 4 आ गए, इसको 4 लिख लिया हमने। अब कह रहे हैं व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स, फ्रैक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स, फ्रैक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स इज इक्वल टू, ये तो 4 ऊपर लिख लिया और ये 12 नीचे लिख दिया हमने। अब इसको कट कर लेते हैं, 4 1 4 और 4 3 12, मिनिमाइज करने के बाद में जो आया 1/3 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को भी देख लेते हैं। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ दी सर्किल्स हैज एक्सेस इन देम, इनमें जो सर्किल्स हैं कितने सर्किल्स ऐसे का फ्रैक्शन निकालना फाइंड करना हमें जो एक्स रखते हैं अपने अंदर। ये एक्स, ये एक्स, ये एक्स वाले फ्रैक्शन है, ये बिना एक्स के। तो पहले क्या कर लेते हैं हम, टोटल सर्किल्स देख लेते हैं कितने हैं। टोटल सर्किल्स इक्वल टू 1, 2, 3, 4 और 4 ये 8, टोटल सर्किल्स 8 हो गए। और सर्किल्स हैविंग एक्स, एक्स वाले सर्किल हो गए 4। अब ये कह रहे हैं व्हाट फ्रैक्शन ऑफ दिस सर्किल्स हैव एक्सेस, तो फ्रैक्शन ऑफ सर्किल्स हैविंग एक्सेस इक्वल टू, एक्सेस वाले 4 हैं और टोटल 8 हैं, इसे कट कर लेंगे, 4 1 4, 4 2 8, तो इसका आंसर आ गया 1/2। अब इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 11, इसको भी देखना होगा। क्रिस्टिन रिसीव्ड ए सीडी प्लेयर फॉर हर बर्थडे, क्रिस्टिन जो थी उसको अपने बर्थडे के लिए एक सीडी प्लेयर मिला। शी बॉट 3 CDs, उसको 3 CDs मिली, उसने खरीदी, उसने बाई करी, 3 CDs बाई कर ली, एंड रिसीव्ड 5 others एज गिफ्ट, इसके अलावा उसको 5 CDs और गिफ्ट के फॉर्म में मिल गई। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हर टोटल CDs डिड शी बाई एंड व्हाट फ्रैक्शन ऑफ डिड शी रिसीव एज गिफ्ट, तो इसके अंदर दो चीजें पूछी, एक तो फ्रैक्शन किसका जो बाई का, और दूसरा फ्रैक्शन ऑफ रिसीव एज गिफ्ट का। तो अब हम निकाल लें इसके अंदर कितने हैं टोटल सीडीज, टोटल सीडीज कितनी है उसके पास में। पहले तो उसने बाई करी कितनी 3, और प्लस उसको गिफ्ट के फॉर्म में मिल गई 5, तो टोटल हो गई 8 CDs उसकी। अब फ्रैक्शन ऑफ, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हर टोटल सीडीज डिड शी बाई,
तो फ्रैक्शन फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन फ्रैक्शन ऑफ बाइंग सीडीज इक्वल टू, बाई कितनी करी उसने, थ्री, तो थ्री ऊपर रख देंगे, एट नीचे रख देंगे, ये तो इसका आंसर हो गया। अब दूसरी चीज और पूछी इसने, फ्रैक्शन ऑफ गिफ्ट, फ्रैक्शन ऑफ सीडीज एज गिफ्ट्स, गिफ्ट में कितनी मिली उसे, फाइव मिली आउट ऑफ एट, तो फाइव अपॉन एट इसका आंसर आ गया, फिनिश हो गया। देखिए अब एक चीज मुझे आपसे और कहनी है, एक बात मैं आपसे करना चाहता हूँ, बहुत जरूरी बात है ये, अब तक मैंने आपसे ये वाली बात नहीं कही है। देखिए अब तक जितने भी मैंने आपको वीडियोस दिए हैं, जितने भी मैंने आपको चैनल्स दिए हैं, उनके अंदर मैंने आपको ये बात नहीं बोली है, इसलिए मैं इसमें बोल रहा हूँ कि देखिए जब आप इसको ओपन करेंगे, चैनल को देखेंगे मेरे, तो उसके अंदर एक बटन आएगा सब्सक्राइब का, तो आप प्लीज़ प्लीज़ करके उसको सब्सक्राइब को आप प्रेस कर दीजिए। उसके आगे फिर आएगा एक बटन उसका बेल का, बेल आइकन को आप उसको प्रेस कर देंगे, और फिर उसके बाद में आप जितना चाहें उसको शेयर करते चले जाइए। थैंक यू।